हाल ही में एलवेश यादव फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन अब वह पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने मेनका गांधी को लेकर के कहा है कि इस प्रकार से जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ में वह चुप नहीं बैठने वाले, वह इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो केस भी करेंगे। और आप सभी को बता दें कि अभी एलवेश यादव के फैन फॉलोइंग इस हद तक पूरे देश के अंदर फैली हुई है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के मामला बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आप सभी को दिखाते हैं ये मामला कि किस प्रकार से सांपों की जो तस्करी का मामला आया था उसके पीछे उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए, और उसके बाद में अब एलवेश यादव को इसका लेकर के क्या कुछ कहना है। इल्जाम लगा दिया हमें तो भाई वो मेनका गांधी जी ने, हमें तो वो कर दिया क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर, एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीज़ों में, पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है नहीं कर देगा करके छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों में, बट जब इमेज ख़राब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज ख़राब हुई। बिग बॉस 2 OTT के विनर और यूट्यूबर एलवेश यादव ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही। मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन PFA ने एलवेश यादव पर सांपों की तस्करी करने और रेव पार्टी करवाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 3 नवंबर को हुई शिकायत के बाद में मेनका गांधी ने हाल ही में दिए एक रेस्टोरेंट में एलवेश को सांप तस्करों का सरगना बताया था। और वहीं आप सभी को बता दें कि हाल ही में एलवेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वो जल्द ही मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।